हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट करें ताकि आप पा सकें मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा मैसी हो रखा है। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए होंगे दो चेयर जिससे हम सपोर्ट बना के बैकग्राउंड क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दो चेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से लेना है, और आपको एक कोई प्लेन क्लोथ लेना होगा या तो फिर आप जो भी बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन क्लोथ लिया है, ये है वाइट कलर का क्लोथ। तो इसको मैंने इस तरीके से लगाया है और ऊपर से क्लिप लगा के इस तरीके से टक कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये गिरेगा भी नहीं और फिक्स रहेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्लेन है, तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक प्लांट लिया हुआ है। तो इस प्लांट को आप देख सकते हो इसका जो पॉट है बहुत ही गंदा दिख रहा है, इसलिए हमें इस पॉट को कवर करेंगे एक पेपर से। तो अभी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर इस पेपर से फ्लैग बनाऊँगी और इस पर स्टिक कर दूँगी, क्योंकि बच्चा जो है फ्लैग पकड़ नहीं सकता। सो डेफिनेटली हमारे को फ्लैग दिखाने के लिए मैं इस तरीके से यूज़ करूँ। अगर आपके पास और कोई आइडिया है, जैसे कोई बर्थडे है तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई वाइट पेपर लेके आप उस पर लिख के इस पॉट पर चिपका के आप लगा सकते हो। तो चलिए मैं इसे बना देती हूँ। अभी मैंने तिरंगे का तीन कलर ले लिया है और इसे आप एक साइज़ में काट लें। काटने के बाद आप पॉट का साइज़ मेज़र करके उस हिसाब से आप इसे बना लें। तो अभी आप इसे फर्स्ट स्टिक कर लें। स्टिक करने के बाद आपको इसे टेप के हेल्प से पॉट के ऊपर चिपकाना होगा। तो फर्स्टली इसे स्टिक कर लेते हैं। तो स्टिक कर लिया मैंने इसके ऊपर। अभी हम अशोक चक्र बनाएंगे और उसके बाद हम फिर से इसे स्टिकिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप अभी देख सकते हो ये पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे स्टिक करेंगे पॉट के ऊपर। पॉट के ऊपर स्टिक करने के लिए मैंने टेप का यूज़ किया है। तो दोनों तरफ टेप लगा के आप अच्छे से चिपका सकते हैं। अगर आपके पास और कोई कॉन्सेप्ट है तो उसी हिसाब से आप इसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर जैसे बर्थडे का कोई मंथली बर्थडे है तो 1, 2 इस तरीके से लिख के आप इसके ऊपर चिपका के अपने बेबी को बगल में बिठा के फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो चलिए अभी इसे प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अभी प्लेस कर लिया है। अभी हमारे को इसमें ऐड करना होगा थोड़ी सी लाइटिंग, क्योंकि बहुत ही प्लेन लग रहा है तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइटिंग की ज़रूरत है। इसलिए हम अभी ऐड करेंगे लाइटिंग। जो दिवाली की लड़ी होती हैं उन्हें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। तो उन लड़ियों को इस तरीके से लगा के आप सेट करें। सेट करते वक्त आप सेफ्टी पिन जो रहता है उसको कपड़े में इस तरीके से लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से स्टक हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे वायर्स दिख रहे हैं। सो इसीलिए मैं यहाँ पे चुन्नी ले रही हूँ। तो इस दुपट्टे का इस्तेमाल करके आप उसके ऊपर डाल सकते हो और इस वायर्स को भी हाइड कर सकते हो। लाइट्स भी बहुत ही ब्राइट दिखेंगी। तो अभी मैं चुन्नी डाल के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से दिखेगा ये। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और लाइट्स जो है वो भी थोड़ी सी बड़ी दिख रही हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया है चुन्नी डालने के बाद। हमारे को वायर्स जो हैं वो भी नहीं दिख रही हैं और जो लाइट्स हैं वो भी थोड़ी बड़ी दिख रही हैं। चुन्नी डालने से पहले थोड़ी छोटी छोटी लाइट दिखती थी और थोड़ी शार्प लाइट दिखती थी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लैग बनाया है बबी के क्लोथ पर लगाने के लिए, कॉस्ट्यूम पर लगाने के लिए। तो चलिए अभी बबी को बिठा देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को बिठाने के बाद आप लाइट्स ऑन करें, इसके वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा डाइवर्ट नहीं होगा। और उसके हाथ में एक अच्छा सा टॉय दे दें जो उसका फेवरेट हो, और पास में कोई कार्टून या तो फिर इस तरह का लगा दें जो उसे देखते हुए हंसे और आप अच्छी अच्छी तस्वीरें ले लें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बबी की बहुत सारी अच्छी तस्वीरें ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और किसी को बताना हो तो शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।